हे गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिमरन गुप्ता, आज मैं बनाने वाली हूँ रसगुल्ला। आइए देखते हैं उसकी रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर अच्छी ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक करें, ताकि मैं अगली बार इससे अच्छा और बेहतर वीडियो बना के लेके आऊँ। थैंक यू। आज हम लोग बनाने वाले हैं रसगुल्ला, आइए देखते हैं उसकी रेसिपी। यहाँ मैंने लिया है 1 कप चीनी, 2 से 3 चम्मच विनेगर, 3 से 4 इलायची, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 लीटर दूध। आइए देखते हैं। हम लोग दूध को गढ़ा था 2 चम्मच डाल देंगे और अच्छे से इसको स्टर करेंगे जब तक ये दूध पूरा फट ना जाए। अब ये आप देख सकते हैं हमारा दूध कितना अच्छा से फट गया है। ये देखिए हमारा दूध पूरा फट गया अच्छे से तरीके से। बर्तन लेंगे, इसमें हम लोग ये कपड़ा को अच्छे से ढक देंगे ताकि हम लोग इसमें छेना अच्छे से पानी और छेना अलग कर सके। इसमें पूरा को बंद कर देंगे। हम लोग इसे ऐसे अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि इसका सारा वो पानी निकल जाए। अब हम लोग इसको ठंडे पानी डाल के इसको वॉश कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसका पूरा विनेगर का जो टेस्ट है वो निकल जाए। फिर धो लेंगे इसको। जितना अच्छे से हो सके आप उतना अच्छे से धोए इसको। फिर हम लोग इस पैसे कैसे निचोड़ लेंगे इसका पानी। जी बंद करो इसको। हम लोग यहाँ पनीर को निकाल लिए हैं, इसको अच्छे से छान के अब इसको मस लेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा पनीर है। इसको पूरा अच्छे से हम लोग मस लेंगे जितना हो सके। हमारा पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है। अब इसी सॉफ्ट करते करते हम लोग इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और पूरा अच्छे से इसको मस लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया है थोड़ा सा, 2 चम्मच है। मैं अभी 1 चम्मच डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करते करते अब हम लोग इसमें और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसको अच्छे से और मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इसको। जब तक हम लोग छेना को मसल मसल के सॉफ्ट करते हैं, तब तक हम लोग उसके बीच में चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम लोग एक लेंगे 1 कप चीनी, जो हम लोग पैन में डाल देंगे। अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे, 2 ही कप पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं। इसको स्टर करते करते इसकी चाशनी बना लेंगे। देखिए हमारा चाशनी डबकने लगा है अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। इसको इसी तरह हम लोग डबकने देंगे। आप देख सकते हैं हमारा चाशनी कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है। ये देखिए बॉयल होने देंगे अच्छे से इसको। लिड लगाकर अच्छे से बॉयल होने देंगे चाशनी को। यहाँ हम लोग पनीर को अच्छे से मसल लिए हैं। अब हम लोग इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे, इतने छोटे छोटे, ताकि एक टाइप के सारे बने। और इसे मसल मसल के ऐसे इस तरह से मसल मसल के इसको हम लोग गोल करके इसका रसगुल्ला बनाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने मसल ऐसा गोल बनाएंगे ताकि इसमें क्रैक ना आए। ये आप देखिए इसी तरह हम सारे रसगुल्लों बना लेंगे अच्छे से। हमारा चाशनी कितने अच्छे से बॉयल हो रहा है यहाँ आप देख सकते हैं। हम लोग इसमें डालेंगे दूध। दूध डाल के इसका जितना भी गंदगी है उसको हम लोग निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, देखिएगा हम लोग डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच के करीब दूध। ये देखिए अभी ये सारा अपना गंदा रिलीज कर देगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे इसमें ये सब ऊपर आके जमा हो जाएंगे और फिर हम लोग उसको अच्छे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसका डस्ट पार्टिकल ऊपर आ रहा है,
इससे हमारी चाशनी साफ सुथरी सी दिखाई देगी, अच्छी सी। आप देखिएगा, देखिए इसके सारे डस्ट को हम लोग चम्मच के थ्रू ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए मेरी चाशनी कितनी साफ हो जाएगी इसके बाद। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे इसको। इस तरह से हम सारी चाशनी को ऐसे निकाल लेंगे अच्छे से। हम लोग इसमें तीन से चार इलायची को क्रश करके डालेंगे। मैंने यहाँ इलायची को क्रश कर दिया है अच्छे से। अब हम लोग इसमें डालेंगे, हम लोग इसका सारा डर्ट यहाँ से निकाल लेंगे। हम लोग इसमें डालेंगे इलायची और अच्छे से मिला देंगे। ये आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको मिला देंगे। अब हम इसमें ऐसे रोल कर करके अच्छे से, आप देख सकते हैं, अच्छे से ऐसे रोल करेंगे और उसके बाद ऐसे करके हम लोग इसमें डाल देंगे। इसी तरह सारे रसगुल्ले हम लोग इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सारे रसगुल्ले को डाल दिया है। अब हम लोग इसको ढक के पकाएंगे। हम लोग इसको अच्छे से ढक देंगे और 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा रसगुल्ला कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है, आप देख सकते हैं, पकड़ा भी हमारा रसगुल्ला कितने अच्छे से पकड़ा है। इसे हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे पकने के लिए। ये देखिए हमारा रसगुल्ला कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है, आप देख सकते हैं अच्छे से हो रहा है। ये देखिए कितने से तैयार है, ढक के और 5 मिनट तक पकाएंगे। हमारा गुलाब जामुन तैयार है। अब हमारा रसगुल्ला पक चुका है, अब हम लोग इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अच्छे से।